तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका माइनक्राफ्ट की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज हम खेल रहे हैं सर्वाइविंग शिप्स एसएमपी पे, या सर्वर जो भी कह लो इसे। और हाँ, आपको पता ही होगा कि इसे ब्लैक क्लू द्वारा बनाया गया है और हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। उसी सर्वर में खेल रहे हैं फिलहाल। और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ग्राइंड करके रखा है, आप देख ही सकते हैं। और जो यहाँ पर आने पर हमें एक आर्मर मिलता है लेदर का, वो मेरा टूट चुका है, काफी बार मैं मर भी चुका हूँ। और उसके अलावा मैंने डायमंड ढूंढ लिए हैं, मतलब ज्यादा नहीं, चार ही ढूंढे थे आई थिंक। और उससे मैंने डायमंड की पिकेक्स बना ली। और हाँ, इसमें हाई पिक्सल की तरह सोप ऑक्सन ये सब है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और उसके अलावा मेरे पास यहाँ पर कुछ सामान है। और हाँ, ये जो शवल है ना गाइस, ये काफी काम किया क्योंकि इससे आप लैंड क्लाइम कर सकते हैं। ये देखो साइड में लिखा हुआ, मैं अभी 290 ब्लॉक्स कर सकता हूँ। ये शुरू से इतने नहीं होते मेरे पास, टोटल पहले इतने ही थे, लेकिन फिर मैंने अपना लैंड क्लेम कर लिया था, वही मैं आपको दिखाऊंगा। और फिर मेरे पास सिर्फ 90 रह गए थे, लेकिन जैसे जैसे आप ग्राइंड करते जाते हैं, यानी कि टूल अपग्रेड करते हैं और मॉब्स वगैरह से लड़ते हैं, तो ये आपका बढ़ता जाता है लिमिट। तो अब मेरा सिर्फ 90 रह गया था, लेकिन अब फिर से 290 हो चुका है, ये देखो। और ऐसे ही ये बढ़ता भी जाएगा। और फिलहाल मेरी हालत खराब हो चुकी है क्योंकि मैं यहाँ पर वैसे घूमने आया था जंगल में, और मेरा घर भी पास में है लेकिन मुझे दिख नहीं रहा। तो सबसे पहले ना मैं आपको यहाँ की लॉबी दिखा देता हूँ। तो लॉबी के लिए हमें कुछ नहीं करना, बस लिखना है स्लैश स्पॉन। क्या हुआ, तो ठीक है, हम लॉबी में तो आ चुके हैं। और ये रही हमारी लॉबी। जब आप यहाँ पर स्पॉन होते हो तो आप यहाँ पर आते हो, और यहाँ से आप अपना एडवेंचर स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर ब्लैक लियो भाई की स्किन लगी हुई है। हेलो ब्लैक लियो, कैसे हो? ऊपर क्या है भाई, नीचे? चलो ये तो चलता रहेगा। और उसके अलावा यहाँ पर इस तरफ तो अभी कुछ नहीं बन रहा है सब कुछ। और इस तरफ है हमारा मेन बाजार गाइस। जी हाँ, यहाँ पर बाजार भी है, और यहाँ पर आप अलग अलग प्रकार की चीजें खरीद सकते हैं। जैसे कि ये है हमारा बबलू किसान, इससे आप फार्मिंग की चीजें ले सकते हो। यहाँ पर हमारा है, क्या नाम था इसका, हाँ सोटू, सोटू से आप खाने पीने की चीजें ले सकते हो। और हाँ, ऐसे ही हर जहाँ पर आपको हर एक चीज की शॉप मिल जाएगी। और उसके अलावा आप चीजें बेच भी सकते हो इसको, और ये दिखाने नहीं दे रहे। इसका नाम है, क्या नाम था इसका, जुगनू डीलर। तो और इसे आप हर प्रकार की चीजें बेच सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको चीजें खरीदनी या बेचनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसका सेल प्राइस और बाय प्राइस दोनों चीजें दिख जाएंगी। ब्रेड का यहाँ पर कोई सेल प्राइस नहीं है, लेकिन हाँ 1 रुपए की मिलती है ये। यहाँ पर और भी शॉप है, यानी कि और काफी सारी इसमें कमिंग सून भी है, जैसे कि ये आरती ये हमें एंचेंटमेंट वगैरह देगी। और उसके अलावा ये रहा हमारा जादूगर गोगा, ये हमें ग्ला ये हमें पता नहीं क्या देगा, लेकिन ये भी कमिंग सून है, जल्दी ही आ जाएगा। और हाँ, मैं आपको एक चीज दिखाना तो भूल ही गया, हाई पिक्सल की जो मेन चीज है ऑप्शन गाइस। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यहाँ पर आप ऑक्शन भी लगा सकते हैं, और मैंने ऑक्शन पर एक लैडर कैप लगाई थी जो मुझे जोम्बी ने ड्रॉप की थी। तो देखते हैं, आई थिंक वो गायब हो गई। ये क्या, आई थिंक किसी ने खरीद ली, पैसे मेरे पर्स में आ गए होंगे आई थिंक। और ये देखो, यहाँ पर आप चीजें लगा सकते हैं, ये देखो कितनी महंगी महंगी चीजें लगाई हुई किसी ने। ओके, ये बस 50 की मिल रही है, पर ये हमें नई मिल जाती है गाइस 50 की, तो ये लेना तो जहाँ से बेकार होगा। ओके नहीं, वैसे इसका करंट प्राइस 20 चल रहा है, मैं इस पर बिड लगा सकता हूँ। क्या मेरे पास पैसे, मेरे आई थिंक मेरे पास पैसे नहीं होंगे, तो मैं जल्दी से अपना बैलेंस चेक कर लेता हूँ। ओके, फिलहाल मेरे पास सिर्फ 60 रुपए हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और हाँ, मैं काफी सारी वुड इकट्ठी कर रहा था इसीलिए, क्योंकि मुझे वुड बेचनी है यहाँ पर और पैसे कमाने हैं। आई थिंक वुड 1 रुपए की एक बिकती है। और हाँ, आप इसे प्लैंक नहीं बेच सकते, बस यही बेच सकते हो। तो इसे बेच देते हैं, कितने की बेची? ओके 42 नहीं, 21 रुपये से बस मेरे पास। ये बात गलत है, यानी कि ये 0.5 की बिकती है, तो ये भी बेच ही देते हैं। चलो थोड़े से और पैसे आ जाएंगे। ओके 10 रुपये और आ गए। अब जल्दी से जाते हैं यहाँ पर, और इस पर देखते हैं किस पर हम ऑक्शन लगाएं। ओके इतने पैसे नहीं है मेरे पास, इसलिए कितने की है ये तो बहुत महंगी गाइस। ओके यहाँ पर और से करंट प्राइस 500 चल रहा है। ओके यहाँ पर फालतू की चीजें गाइस, ये आवार में लगेंगे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? फिलहाल मैं आपको दूसरी चीजें दिखा देता हूँ। ओके ये रहा गाइस हमारा जोगिंदर, ये हमें ये सारी चीजें देता है। और यहाँ पर डायमंड का प्राइस हम अगर हम बेचते हैं तो वो 4 रुपए का, लेकिन वैसे हमें 10 का मिलता है। और हाँ, मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, अगर आप यहाँ से डायमंड लेते हैं उसके बजाय अगर आप यहाँ पर इसके पास आते हैं, सुरेश से बात करते हैं। ओके तो ये देखो, यहाँ पर हमें डायमंड सोर मिल जाएगा 16 रुपए की। अगर हम डायमंड खरीदते हैं और फिर बनाते हैं तो हमें 2 डायमंड मिलेंगे 20 रुपए में, यानी कि यहाँ से हमें सस्ती मिल रही है चीज। यहाँ पर हमें चेस्ट प्लेट भी सस्ता मिल जाएगा क्योंकि ये 50 का मिल रहा है, और लेगिंग्स भी।
और हेलमेट तो चलो वही प्राइस है, लेकिन हाँ अगर हम बूट यहाँ पर बेच लेते हैं तो वो हमें महंगे पड़ेंगे, क्योंकि बूट 4 टाइम में से मिलते हैं, तो ये मैं नहीं लेने वाला यहाँ से। और इसके अलावा यहाँ से आप आर्मर वगैरह ये सारी चीजें खरीद सकते हो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और वैसे स्नोबॉल का सेल प्राइस 1 रुपये है, ये आई थिंक मैं बेच सकता हूँ, मेरे घर के आसपास आई थिंक स्नो है। ओके तो यहाँ पर और भी काफी चीजें हैं, लेकिन वो आप खुद ही से ज्वाइन करके एक्सप्लोर कर लेना। आईपी और सर्वर का पोर्ट आपको मिल जाएगा ब्लैक लीव के डिस्को सर्वर पर, तो उसे भी ज्वाइन कर लेना। तो अब जल्दी से चलते हैं। और ये है मेरा एरिया, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एरिया क्लेम करके रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। सो हो जा। ओके ये देखो मैंने इतना, ये देखो मेरे क्लेम ब्लॉक भर गए गाइस, अब 340 हो चुके हैं, तो ये आपके बढ़ते रहते हैं गाइस। और मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा और एरिया क्लेम कर ही लूँ अभी के अभी। तो ओके यहाँ से लेकर तो मैं इसी के बराबर करने वाला हूँ वैसे तो, ये मैंने कहाँ तक करके रखा था मैं भूल गया, चलो यहाँ तक कर लेते हैं फिलहाल इसको, आई थिंक यहाँ तक हो जाएगा। ओके तो यहाँ तक हो चुका है, चलो बढ़िया बात है। और यहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ चुका है, पहले तो इसे मार दे। ओके तो यहाँ पर मेरा इतना एरिया क्लेम है। ओके दूसरा वाला भी, ओके दूसरा वाला दिखा दिया इसने, तो यहाँ पर मेरा इतना एरिया क्लेम है, ठीक है चलो बढ़िया बात है। और हाँ क्लेम का क्या फायदा है, जैसे अगर आप, मैंने यहाँ पर बेड लगाया है और चेस्ट लगाई है, तो इन्हें कोई और एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ उन्हीं, सिर्फ वही लोग एक्सेस कर सकते हैं जिन्हें मैं ट्रस्ट दूंगा, यानी कि वो यहाँ पर एक्सेस कर सके, उसके अलावा इसे कोई एक्सेस नहीं कर सकता। और हाँ यहाँ पर चेस्ट में मेरा एक डायमंड ये देखो पड़ा हुआ है, और थोड़े से आयरन भी है मेरे पास, तो इन्हें भी स्मेल्ट करने के लिए रख देते हैं। और फिलहाल मेरी चेस्ट भर चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ एक और चेस्ट बना लूँ यहाँ से। ओके फननेस से थोड़ी बनेगी चेस्ट। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। और यहाँ पर मॉब्स वैसे कुछ ज्यादा ही हो चुके हैं, जब तक वो आता है तब तक हम एक चेस्ट ही बना लेते हैं, सिर्फ दो चेस्ट ही बना लेते हैं वैसे तो। ये कौन आ गया मेरे आसपास, और ये कहाँ से आ गई, ये भी ऐसी ऐसी दूर है मुझसे। और देखो मैं बकर से मार रहा हूँ इसे। 6.5 hours later फिलहाल ये पहला एपिसोड है, इसमें तो मैं आपको बस टूर करा रहा हूँ, अगले एपिसोड में हम थोड़ी सी ग्राइंडिंग करेंगे, और ज्यादा ग्राइंडिंग मैं ऑफलाइन ही करूंगा। तो ठीक है गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ टूर कराना था और वो मैंने करा दिया, बाकी हम अगले वीडियो में करेंगे, यानी कि जो भी ग्राइंडिंग वगैरह, ग्राइंडिंग तो वैसे मैं ऑफलाइन ही करके रखूंगा, और फिर हम सामान बेचेंगे और खरीदेंगे यहाँ से। और आज की इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी को लाइक करना, शेयर करना, और हाँ हो सके तो कमेंट कर करके ये वीडियो ब्लैक व्यू तक पहुंचा देना प्लीज। और हाँ वीडियो अच्छी लगी को लाइक करना, शेयर करना, ऐसे और भी इसके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।